सबसे पहले मैं आप तीनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप तीनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर, नमस्ते। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा सब पब्लिक को कि इन तीनों क्लाइंट्स ने हमारी ऑनलाइन सर्विस ली है स्पेशली फॉर फिनलैंड। और तीनों के तीनों जो ये क्लाइंट है दे आर पाकिस्तानी नेशन, वहां के हैं। कोई यूएई में है, कोई आई थिंक सो अजरबैजान में है। तो तीनों ने हमारी सर्विस ली थी। इनसे मेन जो डिस्कशन हमारी रहेगी कि कितना पेशेंस चाहिए जब आपने किसी भी कंट्री में अपना केस प्रोसेस करना है। बार बार मैं वीडियो में ये चीज रिपीट करता हूँ। इसके रीजन क्या है कि आपके जो नेशंस के लोग हैं बहुत सारे हमें अप्रोच करते हैं फॉरन जाने के लिए कि दे मैसेज पे मैसेज, सर हम कैसे जा पाए, क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाए। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे साथ इस साल आई थिंक सो 10 क्लाइंट हैं आपकी कंट्री के जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। तो उनमें से ये आप तीन की सक्सेसफुली एडमिशन आए हुए हैं। एक दो क्लाइंट ऐसे हैं जिनके लास्ट सेमेस्टर में एडमिशन आए थे लेकिन उनके पास फंड्स अरेंज नहीं हो पाए, उनके वीजे अभी डालेंगे। कुछ के अभी तक कोई भी डिसीजंस नहीं आए हैं। उनमें कुछ बच्चों को प्रिकॉशंस के लिए बताया है कि आपकी प्रोफाइल वीक है, आपको ये प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो अभी हम वन बाई वन सबसे बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस और कितना पेशेंस चाहिए। ये जस्ट एडमिशन आए हैं फिनलैंड के। तो सबसे पहले मैं सिद्रा, तो सिद्रा थोड़ा सा हैंड्स अप करे, कौन करे? आप भाई साहब, आपकी प्रोफाइल है? ठीक जी ठीक सीधा मेरी वाइफ है ब्रदर। ठीक है ठीक है। तो आपसे जी 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 बहुत बार हमसे बात हुई है चैट जी के ऊपर और फोन के ऊपर। तो आप जी बहुत ज्यादा जी जी वरिड थे, आपकी वाइफ भी बहुत बड़ी वरिड थी कि सर क्या होगा हमारा, हमने हुक एंड क्रूक से जाना है, किसी भी तरीके से भेजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन मैं एक चीज की प्रेज करता हूं आपके केस में, जो मैंने आपको डायरेक्शंस दी थी आपने उन डायरेक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जैसे मैंने बताया कि सर आपने फिनलैंड जाना है, आइदर हमें आप सैट दीजिए या आयल्स दीजिए, तो आपने हमें दोनों चीजें दी। ये जी दोनों, बिल्कुल आप पहले ये बताइए कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? ब्रदर, तकरीबन 1.5 ईयर, 1.5 साल हो गया हमें आपके पास। 1.5 साल। तो आपने अपना सैट और अपना आयल्स कब दिया हमें? सैट दिया था लास्ट ईयर ब्रदर, नहीं, और लास्ट। आर्ट्स दिया था जब हाँ, जी सैट लास्ट ईयर दिया था। आर्ट्स जो था वो अभी रिसेंटली आपको दिया था, पिछले जनवरी में दिया था। जो पहला आर्ट्स दिया था वो 5.5 बैंड थे, आपने कहा था ये नहीं चलेगा तो ठीक है दोबारा रिपीट करें, तो ठीक फिर है। हमने दोबारा रिपीट किया था तो फिर 6 बैंड आ गए थे। सैट 6 बैंड आए। तो सैट में आपका कितना स्कोर था? सिर्फ मैथमेटिक्स में बताइए कितना था, पता है आपको? आई थिंक 480 था ब्रदर, फोर आई एटी थिंक। था। तो 480 था। दिस इज चैलेंजिंग केस फॉर अस। और स्पेसिफिक जी प्रॉब्लम क्या है फिनलैंड में और जितनी भी ये जो स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक स्टेट्स हैं, दे आर वेरी वेरी रिजिडेड टुवर्ड्स बांग्लादेशी क्लाइंट्स हुए, पाकिस्तानी क्लाइंट्स हुए, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर नॉट गिविंग द इजीली एडमिशंस जितना कि वो इंडियंस। लास्ट जब आपसे बात हुई थी तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है। तो ऐसा है कि कोई भी क्लाइंट अगर किसी भी कंट्री का है, हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकता है। तो ये भाई साहब तीनों के तीनों ये फॉरेन के क्लाइंट हैं, हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए हैं ऑनलाइन। डिपेंड्स, वेट मैं चेक करती हूँ। नहीं सर हैं। हाँ, 1 मिनट आ गया सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी नेट में, नेट के जी कारण जी कनेक्ट हो गया था। तो ऐसा है ओके ओके कि 1.5 साल हो चुका था, इनने प्रिकॉशंस लिए, इनका अभी आपका एडमिशन आ चुका है सर। जी ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये आपकी एफर्ट की वजह से, आपकी टीम की एफर्ट की वजह से एडमिशन आ गया है तो मैं ये कहना तो चाहता हूँ, आपको पेशेंस जरूर रखें। पेशेंस नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आएगी और आप अपना ठीक है। नुकसान करेंगे। तो आप मुझे ये बताएंगे, कभी आपको हमसे, मुझसे चैट करना हो, हमारे स्टाफ से चैट करना हो, कभी हमने आपको इग्नोर किया हो, कभी टाइमली रिप्लाई ना की हो, नेवर, कोई ऐसा लगा हो मैसेज? कभी भी ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं। नहीं मेरे ब्रदर, मेरे कभी भी ऐसा मेरे नहीं है। हाँ पास जी 70% क्लाइंट्स ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं। तो आप तो चलो फॉरेन के हैं, बाहर हैं, पाकिस्तान के हैं, तो हमारे साथ इंडिया भी बहुत बड़ा है, अलग अलग पार्ट के हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी हैं, इवन फॉरनर्स हैं, दे आर टेकिंग अवर ऑनलाइन सर्विसेज। तो ऐसा है कि टोटल आपके जो केसेस हैं आपकी कंट्री से, हमारे पास अप्रोक्स 10 तो फिनलैंड के हैं, इसके अलावा भी 10 केसेस हमारे पास वो हैं जिन्होंने एमबीबीएस के लिए फॉरेन कंट्री में जाना है, स्पेशली जिन्होंने अपनी एमबीबीएस शेंगन कंट्री से करनी है। तो
तो उनके केसेस भी हमारे पास चल रहे हैं। आपके भाई बहन जो आई थिंक सो जो जुए में हैं, एक दो जुए के हैं जो पाकिस्तानी वहां पर अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चों के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में है, वो दो तीन आयरलैंड में है, तो उनके बच्चों के एडमिशन हमारे थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं। इवन कुछ ऑलरेडी इनसाइड पाकिस्तान में ही है, तो उनके केसेस भी हमारे पास चल रहे हैं। तो हर एक जो क्लाइंट होता है उसको ये प्रॉब्लम्स रहती है कि यार वो बड़ा फार फ्रॉम है, वो इंडिया में बैठा हुआ है, मैं यहाँ से पैसे डाल दूँ, और हमारा जो बिजनेस भी ऐसा है इसके अंदर बहुत सारी चीटिंग है, तो हर पर्सन को ये जी लगता है कि मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, किसी भी पर्सन ने कहीं पर भी किसी को भी पैसे भेजने हैं, एटलीस्ट उस पर्सन की क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, उसके सोशल मीडिया को चेक करें, उसके नॉलेज को चेक करें। तो देयर आफ्टर जैसे हमारी वीडियोस हम डालते हैं ऐसी जूम मीटिंग। आपका तो जो प्रोसेस है, जो फी लेने का, वो तो टोटल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मतलब कोई उसमें डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्लियर कट है। ठीक जब है हमने आपसे रजिस्टर्ड हुए थे, आपने मुझे पहले ही सब स्टेप्स बता दिए थे कि ऐसे ऐसे आपने फीस देनी है। तो ठीक है ठीक वैसे ही आज तक हम वैसे ही चले हैं। तो है मैं मतलब जितने भी बहन भाई जो हमारे पाकिस्तान से है जो सुनते हैं, तो अभी हमारे पाकिस्तान में भी काफी कंसल्टेंट है, बट मैं उन्हें ये कहूंगा कि क्राउन इमिग्रेशन पे आए आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ठीक क्योंकि बिकॉज स्टेश भाई आपके साथ 1.5 साल हो गया है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब योर टीम एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है आप एज अभी अ क्लाइंट को ऐसे लेते हैं कि जैसे आपने केस उसका रियल फाइट की है कि रियल फाइट। आपने। हाँ जी जी आपको ये मालूम है कि आपकी कितनी जगह से रिजेक्शन आई थी एडमिशंस की? बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे याद है। तो कभी हमने हाँ आपको जी ये कहा हो कि नहीं सर आपका केस नहीं हो पाएगा, हमें और पैसे भेजें फिर करेंगे एफर्ट्स? कभी ऐसा कहा नहीं, होगा? कभी नहीं, नहीं आप कभी भी नहीं। 1.5 साल में हाँ जी आपने जब रजिस्ट्रेशन कराई होगी तभी फीस दी होगी, अभी तक हमने कोई फीस नहीं मांगी, अभी हम बाकी। नहीं नहीं तो अभी इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके फंड्स, जितनी जल्दी आप अपनी फीसें ट्रांसफर करेंगे, तीनों के तीनों सुन लें मेरे जो साथ में लगे हुए हैं, जितनी जल्दी आप अपने ट्यूशन फीस ट्रांसफर करेंगे और जितनी जल्दी आप मुझे फंड्स दिखाएंगे, उतनी जल्दी आपकी फाइल एम्बेसी में जाएगी, आपको यूएई में भी जाना पड़ेगा, इसके बारे में तो आपको पता होगा। एग्जैक्टली सर। दो चीजों को जी ध्यान सर रखना है आपने, जी दो चीजों को, एक अपने फंड्स, दूसरा वीजा अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक की जो वीजा अपॉइंटमेंट है उसमें आपको खुद के भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे साथ में। मैं ओके सर। उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे चेक करने हैं, आप रूटीन में रेंडमली उसको चेक करते रहना है, क्योंकि मेरे पास अभी 250 स्टूडेंट्स हैं, अभी 250 स्टूडेंट्स को हैंडल करने वाले हमारे पास 6-7 एम्प्लॉइज हैं ओनली जो फिनलैंड को डील करते हैं। तो अगर आप अपने केस को खुद थोड़ा सा परस्यू करेंगे जस्ट फॉर द वीजा अपॉइंटमेंट, फॉर बायोमेट्रिक जो आपके यूएई में होने हैं, वो उठाना है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी उठा पाएंगे जब आप फीस भेज देंगे और आपके फंड्स रेडी होंगे। फंड्स कैसे जी दिखाने सर। हैं आपने, उसके लिए क्या क्या एविडेंसेस लगाने हैं, हमारा जो पर्सन है जो आपके केस को डील कर रहा है वो आपको एक्सप्लेन करेगा, उसके अकॉर्डिंग फंड्स दिखाने हैं। ऐसा नहीं है गलत गुलत फंड दिखा के हम सीधा केस डालें। यूएई में जाने के लिए अगर आपको वीजा की रिक्वायरमेंट है यूए का, आपसे नहीं अरेंज हो रहा, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक जी ठीक है। है अभी ओके सर। मैडम के ऊपर आते हैं, नाज मैडम। नाज मैडम नमस्कार है, हाँ जी शुक्र है सर जी, भगवान का सब ठीक ठाक है। गगन कैसे है? हाँ जी जी वो भी ठीक है, शुक्र है भगवान का। चलो ठीक है जी, तो इन मैडम को भी सल्यूट है मेरी तरफ से। कारण क्या है कि इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, इनका केस आई थिंक सो बेटा कितना टाइम चलते हुए हो चुका है हमारे साथ, सर काफी टाइम हो चुके हैं आप लोगों के साथ। काफी टाइम। एग्जैक्टली 1 ईयर से। हाँ जी 1 ईयर से तो अबव। अभी ये देखिए कि ये यूएई में थे, इनके हस्बैंड भी वहीं पे हैं, वहां पे इनके बच्चा भी हाँ जी बॉर्न सर। हुआ, इन्होंने वहां से अपना केस अप्लाई किया था, कंट्री का नाम है स्वीडन, अजरबैजान। नहीं ओके अजरबैजान। जी जी बिल्कुल हाँ फर्स्ट। नहीं, अजरबैजान में थे आप दोनों, आपका बेटा भी वहां हाँ बॉर्न, जी आपके हस्बैंड भी वहां पे हैं, बिल्कुल सर। वहां से आपने अपना स्वीडन का जो एडमिशन और वीजा हमारे थ्रू प्रोसेस किया था, लेकिन अनलकीली क्या रहा एग्जैक्टली कि सर इनको वीजा नहीं मिल पाया वहां पे स्टडी का, तो उस कंट्री बिल्कुल सर। वीजा रिफ्यूज किया। रिफ्यूजल के बाद फिर भी ये एफर्ट करते रहे, पॉजिटिव हैं कि नहीं सर हमने जाना है, तो इनके लिए और भी बहुत सारे जी ऑप्शन, इनको मैंने एक ही चीज बताई हाँ। है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ मैंने एक्सक्यूज मी कहा सर। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही? सॉरी
जी, सॉरी सर, आपकी बात कर रही हूँ, हाँ मैम, रिफ्यूजल नहीं हुआ था तब, यूक्रेन की वॉर की वजह से हमारा केस डिले हो गया था, हाँ डिले जिसकी हो वजह से गया। वहाँ क्लासेस, हाँ जी हाँ सर, हाँ हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और हमने विदड्रॉ कर लिया था अभी उसमें भी डिसीजन आने से पहले ही। हाँ पैसे भी खराब हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल सर जी, तो ऐसे ही था। अभी इस सिचुएशंस में क्या रहता है, हर एक स्टूडेंट का और हर एक जो स्पाउस है उनका ये रहता है कि किसी न किसी हुक एंड क्रुक से हम फॉरेन कंट्री में चले जाएं। इनके लिए तब भी एग्जैक्ट हमारे पास ऑप्शंस था कि मैं इनको पीजी डिप्लोमा जैसे प्रोग्राम में भी भेज सकता था, जिसकी 12 लाख रुपए इंडियन रुपीज की बात करता हूँ, मैं यूरो में डिस्कस करूंगा, 10,500 यूरो की फीस है, उसमें भी इनको मैं भेज सकता था। आपका एडमिशन भी आया था आई थिंक सो पीजी डिप्लोमा में, जी सर, एग्जैक्टली बिल्कुल आपके थ्रू आया था। हाँ मैंने उसके लिए भी इनको रोका, मैं कहा मैडम उसमें जाने का फायदा नहीं है, गगन को भी मैंने बताया कि भाई उसमें जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, इतने पैसे मत लगाओ, आपने फिनलैंड में जाना है। तो इन्होंने उस टाइम फिर मान लिया कि ठीक ठीक है हम उसमें नहीं जाएंगे। तो लास्टली इनका डायरेक्टली एडमिशन आ चुका है अभी, तो हाँ जी सर बिल्कुल जी, अभी अभी आपने फीस ट्रांसफर कर दी है, कितने नो सर अभी नहीं की कितने यूरो करने हैं ट्रांसफर अभी आपने? सर, हमारी फीस जो है वो 9,800 यूरोज है, लेकिन हम तो प्लान कर रहे हैं कि इसको फर्स्ट सेमेस्टर की पे करेंगे, बाकी के फंड्स शो करवाएंगे। ये देखिए 4,500 यूरो देकर जा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कंट्री में जाना है एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम फीस देकर जाएं और मैक्सिमम से जी मैक्सिमम सर, बेनिफिट लेकर जाएं। तो ऐसा इनका केस है। तो अभी फंड्स का क्या हुआ आपका? फंड सर अभी हमारे शो होने हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ आई हुई हूँ ठीक है अजरबैजान से, मैं अभी अपनी होम कंट्री में आई हूँ कुछ दिन के ठीक लिए, ठीक तो है अभी बस यहाँ से जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर हम फी पे कर देंगे तो सर। ठीक है, उसके लिए हमारा जो स्टाफ है आपके साथ गाइड करता रहेगा। मेरी ओर से आपको दो ही चीजें बताना जरूरी है, फंड्स और वीजा अपॉइंटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी ओके हमारा सर, काम है सारा। ओके सर, इसमें आप तीनों ने हमें ठीक है सोच सर, करनी है, वो नहीं हो गया तो आप ओके सर, अम्बेसी तक नहीं पहुंच पाएंगे, अम्बेसी में फाइल बिल्कुल चलेगी, सर, ये सारा कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है भाई साहब, जी आप सर, तो जी ठीक है। अभी हम असायद के ऊपर, असायद भैया सुन रहे हैं? यस सर, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी मेरा सल्यूट है क्योंकि इसने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम ब्रेक करके एडमिशन लिया है। ही इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान से ही है ना आप भी? जी सर, तो इस स्टूडेंट ने हमें, हमारे लिए दो कंट्रीज के लिए बताया था कि मैंने सर नीदरलैंड में जाना है और मैंने फिनलैंड में जाना है। तो नीदरलैंड में एडमिशन आ चुका है आपका? फिनलैंड जी सर, नीदरलैंड्स में भी आ गया और फिनलैंड में भी आ गया। में भी एडमिशन आ, और फिनलैंड में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आया है। तो ज्वाइंट एंट्रेंस यस एग्जाम सर, से के थ्रू जी, एडमिशन लेना इट इज रियली वेरी चैलेंजिंग है कि बहुत सारे, नो डाउट सर, नो हाँ डाउट, बहुत, इसने अपना एग्जाम ब्रेक किया, उसका टेस्ट दिया था जिसमें इंग्लिश का रहता है, रीजनिंग का रहता है और मैथमेटिक्स का रहता है, ऐसा ही था। बिल्कुल सर, तो जी सर, जी सर, आपका इंजीनियरिंग में आया है, कौन से प्रोग्राम में आया है? बिजनेस प्रोग्राम सर, बिजनेस में आया, तो इसने एडवांस इंजीनियरिंग नहीं दिया था। तो अभी आपने क्या डिसाइड किया है, नीदरलैंड में जाना है या अभी आपने इसमें जाना है फिनलैंड में? सर मेरी बेसिकली कुवरदीप सर और बबली मैम से बात हो रही थी, तो वो तो अकॉर्डिंग टू उन्होंने पूरा गाइड किया, तो उन्होंने, अब मुझे चूंकि फंड्स का कोई इशू नहीं था तो मैंने नीदरलैंड सेलेक्ट किया था सर। तो नीदरलैंड का ही है अभी ये नहीं जाने का ना, फिनलैंड का? नहीं सर, अभी ये रिसेंटली सर ने मुझे अभी भेजा है तो नीदरलैंड्स का ही था मेरा तो वैसे ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस दिए थे ना सर, क्योंकि पहले चूंकि इसका फिनलैंड का पेपर था और उसका बाद में था, इस वजह से इस वजह से सर ने दो ऑप्शंस दिए थे, तो अब नीदरलैंड सेलेक्ट कर दिया। आपने अभी फीस ट्रांसफर तो नहीं की नीदरलैंड में? तो नॉट येट सर, नॉट येट, आपने सर्च की सारी नीदरलैंड यूनिवर्सिटी के बारे में और प्रोग्राम के बारे में? जी जी सर, पूरी रिसर्च की है और मैम ने बहुत अच्छा गाइड किया उसके, नीदरलैंड्स के वाले सर। तो अभी फिर नीदरलैंड है एट द एंड। यस सर, यस सर, तो नीदरलैंड के थोड़ा सा एक्सपेंसेस के बारे में बताएं, थोड़ा सा खुल के, क्योंकि नीदरलैंड इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंट्री है तो सबको ये नो डाउट सर, वीजे नो में कोई डाउट, प्रॉब्लम नो नहीं आएगी, डाउट, वीजा आपको मिल जाएगा, चाहे वो जी फिन जी सर, चाहे बिल्कुल, नीदरलैंड। थोड़ा सा बताइए कि जी जी फीस सर, कितनी आई आपकी? नीदरलैंड्स का सर मतलब डबल है हिसाब किताब, यानी मेरे अभी जो आए हैं वो अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस देखें यूनिवर्सिटी के तो तकरीबन 24,000 यूरोज आए हैं तकरीबन। तो फोर अभी चूंकि थाउजेंड यूरो मैम देखिए, ट्वेंटी जी, फोर चूंकि अभी थाउजेंड मैम हाँ जी अभी चूंकि स्कॉलरशिप का भी कर रही हैं तो उसमें भी काफी आ जाएगा, लेकिन स्टिल इट्स टू मच है तो स्कॉलरशिप कितना मिल सकता है आपको? सर। ये 2,500 से 5,000 यूरो फर्स्ट ईयर के। तो जी, आपने ये देखा कि ईयरली फीस कितनी है उसकी, सिर्फ फीस फीस सर क्यों?
असल में सर इसमें ब्लॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, तो वैसे तो सर ये अगर आप स्वीडन का भी सॉरी इसका फिनलैंड का भी देखें, तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो तकरीबन 10,000 यूरोस तो आपका हो जाता है, तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही आ रही है ईयरली फीस, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट भी अगर ऐड कर दें तो फिर वो नहीं 24,000 तक नहीं चली जाती है। जी 24,000 इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जी कुछ जी इसका आपने जी सर देखी स्पेसिफिक कितनी है, जी जी सर इसकी तकरीबन 15,000 यूरोस थी। 15,000 यूरो की साल की फीस है यहाँ पर, वेयर एज यहाँ पर 8-9 हजार यूरो की है, 9 हजार यूरो की लेकर चले। और ब्लॉक्ड अकाउंट बिल्कुल है, सर पार्ट है, वर्किंग कम है, पोस्ट स्टडी परमिट कम जी है, जी जी ये भी कंपेयर किया कि नहीं जी किया? जी जी सर बिल्कुल तो ऐसा है, जो आपका दिल करेगा हम उसमें काम करेंगे। तो अभी एट द एंड भाई साहब आपके ऊपर आते हैं, सिदर सिदर मैडम के ऊपर, आप बताइए कोई क्वेश्चन है तो जी जी आपका। जी बेटा, अभी जो हमारी फीस आई है यूनिवर्सिटी में 11,500 आई है। तो कंवरदीप भाई ने बताया था कि 25 तक हमने पे करनी है वो फीस। मैं वही है, उसके लिए मैंने मेल डाली हुई है। कुमार ने ये बताया कि हमने कहा कि हम हाफ फीस देकर आएंगे इसकी। जी नहीं, अभी मुझे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई। हाँ, वो मैंने उनको मेल डाल दी उसी टाइम की, वेदर आई विल पे द वन सेमेस्टर फीस। अभी मुझे नहीं मालूम है कि आपके लिए पाकिस्तानी के लिए क्यों इतनी फीस मांगते हैं, हमारे लिए इंडियंस के लिए अर्ली बर्ड जी डिस्काउंट जी का जी प्रोविजन है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी जी देते हैं वहाँ, आप फीस करके भी जी जा सकते हैं। उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी को लिखा है, कुछ भी आता तो देन मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। इवन मैडम की जो अपना नाज मैडम हमारे साथ में ज्वाइन किया है, मैडम आपकी तो हाफ जा रही ना फीस। हेलो, हाँ जी सर जी। और सर जो मेरा लेटर आया वहां से, उसमें भी उन्होंने अर्ली बर्ड की लिखा हुआ है वहां पे ना, कि लिखा अगर आप अर्ली बर्ड तो में करते हैं तो आपको कंसेशन मिलेंगी। आई थिंक वो उसमें 1,000 यूरो लेस हो जाता है सर। अभी आप अप्रोक्स कितनी फीस भेजने वाले हैं? सर हम लोग इसकी हाफ भेजेंगे, आई थिंक 4,000 और समथिंग 900 यूरोस। तो भाई साहब आपके लिए भी मैंने उनको लिखा है, आपकी यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी, तो वहां से जो भी थैंक कुछ यू, आएगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा सर, ये चीज है ठीक थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो है। मच ब्रदर। तो अगर और भी जी कहीं जी पे डाला होगा तो उसमें भी हम वेट कर रहे हैं, कोई उससे पहले कुछ और भी आता तो देन वी कैन सी, क्योंकि आपका हमने जो केस है नॉट ए सिंगल वन यूनिवर्सिटी में डाला हुआ था, और भी कई जगह पर डाला हुआ है, तो अगर वहां से कोई पॉजिटिव आता है तो उसके लिए भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो जी थैंक यू, थैंक और कोई क्वेश्चन आपका भाई जान यू सो मच सर। मैडम आपकी को? हाँ सर्विसेज सर्विसेज के लिए मैं बात करूंगा जब वीजा भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह। तो अभी मैं रिपीट वर्ड फिर कर दूं, फंड्स को जितनी जल्दी अरेंज करेंगे, जितनी जल्दी ट्यूशन फीस भेजेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई मोटिवेट कर रहा हूं कि जाएं फॉरेन कंट्री में कि आपको भेजूंगा भेजूंगा, लेकिन अगर जाना है तो जितनी जल्दी फीसें ट्रांसफर करेंगे, फीस ट्रांसफर करने से पहले माइंड में आपके ये होना चाहिए कि मैं 5-6 दिन के अंदर बैंक स्टेटमेंट इनको देनी है, तब जाकर कुछ होगा, नहीं तो फंसे रहेंगे। ये नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल का सर सर ये है कि बैंक स्टेटमेंट मैंने अपनी मदर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करनी, हाँ वही मेरी बात, मदर ने। जी, मदर के पास पुराने 3 महीने के पड़े हुए फंड, नहीं, उन्होंने अभी रिसेंटली ये 2 दिन पहले उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है, वो उनके अकाउंट से फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे वो। ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज की है उसके लिए प्रॉपर एग्रीमेंट, और सारी की सारी पेमेंट थ्रू बैंक के चेक के थ्रू आनी चाहिए, कैश नहीं, ठीक है जी, हाँ वो जी सारे की ठीक सारी फॉर्मेलिटी हमारा पर्सन आपको बता देगा, कोई भी डाउट है तो। जी। उन्होंने मुझे बताया था कि जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है ना, उनसे कैश नहीं लेना है, वो बाय चेक आपके अकाउंट के बीच में आनी चाहिए। जी उसकी डिस्कशन मैं वीडियो में नहीं करूंगा, सेपरेटली मैं फिर बता दूंगा कि किस तरीके जी से आपने ओके भाई, दिखाना है, क्योंकि दैट इज जी वेरी ठीक है, कॉन्फिडेंशियल चीज है, कोई चीज हम ऐसा ओके नहीं भाई, चाहते कि सबको ऐसी ही चीजें बांटते फिरें, ऐसे ही डिस्क्लोज करते फिरें, उसके लिए क्या ओके प्रिक्योर भाई, ओके लेने हैं वो हमारा पर्सन आपको प्रॉपर एग्रीमेंट के फॉर्मेट, किस सिस्टम से पेमेंट लेनी है, किस तरीके से क्या करना है सर, ठीक है थैंक यू, थैंक यू मैडम। सर। आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा हाँ कोई मुझसे क्वेश्चन हो? आपको खातिर, हाँ जी 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 बिल्कुल सर, बस मेरा यही क्वेश्चन है कि हमें अगर हम एम्बेसी में फाइल जो है नेक्स्ट मंथ मींस मई में सबमिट करते हैं, तो सर विद इन, और ये कह रहे हैं कि हमारी अगस्त से क्लासेस स्टार्ट है, तो मई जून जुलाई 3 मंथ्स सर इनका भी प्रोसेसिंग टाइम होगा, या ये एक्सीड भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे जो बच्चों ने अगस्त में जाना है, मैंने 10 फाइलें एम्बेसीज में भेजी हैं, 10 के 10 के वीजा विद इन 2-3 वर्किंग डेज के अंदर आ गए, 1 वीक के अंदर आ गए,
कोई जो 2 वीक्स के मैक्सिमम वेरी गुड टू सर वीक्स के अंदर आए हैं हमारे, जी जिन्होंने सर एड्रेस में जाना है। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ, जितना इसको डिले ओके करेंगे सर उतना प्रोसेसिंग टाइम आपका लिंगर ऑन होता रहेगा। इंडिया की मैंने सिचुएशंस बतानी होता है, जाएगा यहाँ एग्जैक्टली पर सर हमारे जिन बच्चों ने अगस्त में जाना है 8-10 फाइलें जो एम्बेसीज में डाली थी, वी आर गोट देयर टीआरपी डिसीजंस विद इन मतलब 2 वीक्स मैक्सिमम। किसी का 2 दिन के अंदर आया, किसी का 1 वर्किंग डे के अंदर आया आफ्टर गिविंग द बायोमेट्रिक्स। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में तो इसकी एम्बेसी नहीं है, तो हमें अबू धाबी जाना होगा। जी तो मैंने स्टार्टिंग से ही ये डिस्कशन की थी सर, मैंने जी 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 सही स्टार्टिंग में सही ये सही कहा वहां ही जाना पड़ेगा, वहां पर फिंगर्स होंगे आपके, उसके लिए कोई वीजा की सर रिक्वायरमेंट है आप सबके, आपका यूएई वीजा नहीं हो पा रहा तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक जी ठीक है सर सही सही है ठीक है भाईजान, जी ठीक आपका शायद भाई आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर ऑल क्लियर सर चलो ठीक है, तो फिर लास्टली मैं सब पब्लिक को ये बताना चाहूंगा, आप किसी भी कंट्री के नेशंस हैं तो अगर आपने फॉरेन में किसी भी कंट्री में जाना है एटलीस्ट कंसल्टेंट की क्रेडेंशियल जरूर चेक करें। स्पेसिफिकली आपने अगर फिनलैंड में जाना हो तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज हैं, 2 प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, स्टडी इन फिनलैंड सक्सेस स्टोरी इन फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। तो आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा रहा, तो मैं किसी बिल्कुल भी जो क्लाइंट की कोई भी आइडेंटिटी कहीं पर सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि आपका नाम क्या है आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें सिर्फ आपकी डिस्कशन ही सर आएगी। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो है ना इसको ना तो ब्लर कीजिएगा ना मतलब ऐसे ही रहने दीजिएगा प्लीज। नहीं वो आप नहीं वो तब ये हाँ जी एक इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट के एडमिशन आया है, आपसे बात हुई है, नहीं तो नहीं प्लीज हिस्टोरिक इसको इसको डिस्टर्ब नहीं मत करिए। हिस्टोरिकल मैं बनाऊंगा जब आपके वीजा आ जाएंगे, फिर मैं सेपरेट आपके साथ बनाऊंगा क्योंकि इसमें और भी 2 लोग हैं सर। ठीक ठीक है है हमारे पास थैंक ये डाटा। ठीक है भाईजान थैंक यू यू धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू पर जी जी नमस्ते थैंक्स लॉट सर।